तो ठीक भेजी थी उन्होंने, बट शायद हमारे कोई समझ में नहीं आई। तो ये देखो यहाँ से होनी है गाड़ी वगैरह लोड, 600 रुपये डाला देना पड़ रहा है भाई। 600 रुपये डाला तो आज तक जिंदगी में नहीं दिया होना कभी। चलो कोई बात नहीं, देना तो पड़ेगा ही जब आई गए गलती से। ना भाई कि अभी कोई बात नहीं, 60,000-70,000 बनाऊंगा यहाँ से। भाई रेट ही नहीं है, कैसे बनाएंगे आप? 10 दिन खड़े रहो भाई, इसी रेट में जाना पड़ेगा, फिर क्या फायदा? मैं नहीं जाता, कोई और चल जाता, बात तो वही है ना। ये हमारे सतीश भाई, ठीक है, और इनको जानता हूँ मैं बहुत पहले से, क्योंकि जब मेरे शायद 1K भी नहीं हुए थे ना, तब से लेकर हम मिलते रहते हैं, और उस टाइम भी काफ़ी पहले मिले थे, और उस टाइम भी मैं वीडियो नहीं बना सका था। तो इन भाई की पहले हम मिले थे इक्को में, इक्को होती थी इनके पास दो, अब एक इक्को बेच के इन्होंने ले लिया अर्टिगा, जो कि एक। हाँ जी, तो फाइनली भाई सुबह की बज रही है 5, आज तारीख होगी 4, और आज का ब्लॉग कर रहे हैं भाई सुबह 5 बजे स्टार्ट। तो हम भाई अभी खड़े हुए पेट्रोल पम्प पर, और आज तारीख है भाई 4, और महीना हो चुका है जुलाई का शुरू। सो आज का ब्लॉग करते भाई यहीं से स्टार्ट। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं भाई ड्रिप टॉप ब्लॉग्स। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच इस वीडियो पे क्लिक करने के लिए। अगर चैनल पे आ गए हो तो भाई सब्सक्राइब करके जरूर जाना भाई, ट्रक से रिलेटेड। और अगर ट्रक का शौक रखते हो, और आप भी अगर एक ट्रक ड्राइवर हो या ट्रक का शौक रखते हो, तो कुछ ना कुछ फॉर श्योर आप लोग कुछ ना कुछ सीख के जाओगे भाई इस चैनल से, ठीक है। तो अब भी खड़ा हूँ भाई मैं राजकोट में, और पिछले ब्लॉग आपने देखा ही होगा भाई, पिछला ब्लॉग हमने जो एंड किया था वो किया था राजकोट में परे, जहाँ पे मैंने गाड़ी खाली की थी। तो उसके बाद 4 दिन तक मैंने भाई, मतलब 4th दिन हो गया आज, तो आज जाके लोडिंग कंफर्म हुई थी पिछले कल, और आज सुबह हो चुकी। तो अब जा रहे भाई लोडिंग के लिए, कल रात को ही कंफर्म करवा दी थी गाड़ी मोहाली के लिए, बाकी बताऊँगा आपको सुबह। अभी बज रहे सुबह के 5, और अभी हम डीजल फिल करवाने रुके क्योंकि बिल्कुल नीचे आ गई थी भाई सुई। तो भाई हमने डीजल फिल करवाया, 5,000 का हमने डीज़ल फिल करवाया है, बाकी अभी अभी ट्रांसपोर्ट से आए भाई। ट्रांसपोर्ट में थोड़ी सी लेट हो गए हम, क्योंकि हमने चलना था यहाँ से 4-1 बजे, लेकिन भाई 5 बजने को आ गए, हम लेट उठे थोड़े से। और इनको मैं पेमेंट कर लेता हूँ 5,000 रुपये की। तो भाई 1 घंटे लेट है हम, लेकिन कोई बात नहीं, चलते हैं। और हम जा रहे हैं अभी मोरबी, तो मोरबी से मोहाली के लिए लोड है, बाकी आपको बताऊंगा जब एक बारी सुबह कहीं चाय पीने रुकेंगे। तो निकलते हैं भाई यहाँ से, आज का दिन करते हैं स्टार्ट। पहुंच तो गए, लोकेशन तो बता रही ना आगे की, यहाँ पे कम से कम 1.2 किलोमीटर आगे की, लेकिन यहाँ पे जॉनसन एंड जॉनसन का बोर्ड देखा हमने, तो इनसे पूछा तो ये बोलते हैं कि वही लोड तो गाड़ियाँ यहीं से होती है। अब भाई बाकी पता नहीं, तो सुबह के बज रहे हैं 7:07 पे पहुँचे हम इधर, अब देखते हैं यहीं लगा लेते हैं। वैसे लालपुर इंडस्ट्रियल इस्टेट है, मोरबी से थोड़ा सा हम आगे को आए इधर को अहमदाबाद वाले रोड को। लो जी अपनी लग गई गाड़ी, अब देखते हैं जब भी लोडिंग के लिए बुलाएंगे। अब ये तो बता रहा ना आगे की लोकेशन, भाई जिसका मेरे को नंबर दिया था उस पर कॉल कर रहा हूँ, वो उठा नहीं रहा है, और देखते हैं जैसा भी रहता है। बाकी यहाँ से 8 टन की है ये, और किराया सुन के तो आप बेहोश होने वाले हैं भाई, इतने कम रेट है ना, बताऊँगा बाद में जब लोड हो रही होगी ना, तभी बताऊँगा आप लोगों को। चलो जी अब आगे हम अपना कांटे पे, अभी कांटा वगैरह करवा रहे हैं भाई, 10 बजने को आ गए हैं, तो कांटा वगैरह करवा रहे हैं अपना। देखो पूरा पूरा था अपना 65 है अपनी खाली गाड़ी पूरी अपना, और उसके बाद निकलते हैं भाई कहाँ के लिए, यहीं पे ही है, पर लोडिंग के लिए भी बुला दिया है, अब देखना पड़ेगा रास्ता त्रुपाल ना खुला है, बाकी रोक के अपनी गाड़ी। और गाड़ी कैसे बुरे हाल हुए, बाकी कैबिन तो धोया था भाई हमने, लेकिन बाड़ी धोने को उन्होंने मना की गई, बाड़ी में धोना पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। दिन के बज गए हैं 10 सुबह के, और अब लगने वाली है लंका। कैसे वाली? तो हमारे को बोल दिया भाई पूरा त्रिपाल खोल लो, जिसका डर था वही हुआ वहाँ पे, और अब अनु जी को चढ़ना पड़ेगा ऊपर,
नीचे से रास्ता खोलना पड़ेगा, फिर आगे खींचना पड़ेगा सारा। नीचे तो नहीं फेंकेंगे भाई, नीचे फेंक दिया ना एक बार चढ़ाना ही मुश्किल हो जाता भाई, इतना भारी है तिरपाल और दोनों साइड ना पूरी बॉडी तक कवर कर लेता है इतना बड़ा तिरपाल। तो उसको ऊपर ऊपर ही इकट्ठा करेंगे, चलते फटाफट, अब करना तो पड़ेगा भाई चाहे जैसी मर्जी धूप है। भाई धूप ऐसी लगी हुई ना, ऐसे नहीं रख सकते आप जादू की तरह, काफ़ी धूप है। चलो लेट्स गो बॉयज। और पहुँच भी गए हम जहाँ पे लोड होनी है। लोकेशन तो ठीक भेजी थी इन्होंने बट शायद हमारे कोई समझ में नहीं आई। तो ये देखो यहाँ से होनी है गाड़ी वगैरह लोड इस पॉइंट से, ठीक है। तो हम खोल लेते रास्ता तिरपाल, अब आप लोग देखो। बाकी एक तो खोल दिया हमने रास्ता सारा, अब मैं बताऊँ आपको कितना बड़ा है ये तिरपाल। ये देखो यहाँ तक आ जाता है नीचे तक पूरी बॉडी, और कहाँ है ऊपर कुंडिया भाई। बहुत बड़ा तिरपाल है, बहुत ज़्यादा बड़ा। देखो कितना कितना फोल्ड था हमने किया हुआ, ये फोल्ड करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है और दोनों साइड को ही है। तो अभी इसको सारे को ऐसे आगे को ही खींचना पड़ेगा, नीचे गिरा देंगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा इसको उठाने का। और ऐसी धूप भाई, बाकी उन्होंने हमारे को चाय भी पिला दी अभी, थैंक यू। तो ये हमारे पवन उस्ताजी पहुंच गए हैं बॉम्बे फ्रूट लेके। हाँ जी उस्ताजी, ठीक है हालचाल? बस भाई जी ठीक। अरे हमारे काय की दया, आपकी दया रहा। होगी लोड आपकी? बस रास्ता तिरपाल कर रहे खोलना पड़ेगा आपको, सारा खोलना पड़ेगा उस्ताजी। तो मैं आपको इसके बाद करता हूँ कॉल, ठीक है? ठीक है ठीक है उस्ताजी, ओके बाय। और यहाँ पे शाम के बज चुके हैं 5:25। अनु जी 2 किलोमीटर जाके ले आए खाने के लिए, भाई पूरा दिन हो गया। और लोडिंग लगे हुए देखो करने, आपको दिखाई पिछले क्लिप में लोडिंग करने लगे बड़े स्लो स्लो सुबह से, देखो शाम कर दी इन्होंने अभी तक आधी गाड़ी हुई लोड, रात तो पक्की है यहाँ पे। और सुबह भी देखो खाना नहीं खाया था, चाय पी थी, तो अभी भी देखो यही है बस खाने के लिए, अभी कुछ भी नहीं मिला। बाहर है कुछ भी नहीं मिला, नहीं था कुछ भी नहीं शाम का टाइम, कुछ नहीं था। तो पानी की बोतल लाया ठंडी, बाकी ये है आपका पकौड़े से है ना, ये पकौड़े हैं और ये है पैटीज, बस यही मिला खाने को। अच्छा है भाई, इसी से गुजारा करना पड़ेगा, जब तक गाड़ी लोड नहीं होगी यहाँ से जाएंगे नहीं। और अभी दिखाता हूँ मैं आपको कितनी जी इन्होंने गाड़ी की लोड, पहले ये खा लेते भाई जो मिल रहा है खाने के लिए 5 बजे सुबह से लेके, ठीक है। फाइनली भाई अब 7:16 पे गाड़ी हो गई हमारी लोड, और अब लगे रस्सा तिरपाल करने। अब फिर से रस्सा तिरपाल डालना पड़ेगा जाले के साथ, इनको पहले ही मना की थी हमने, तो क्या करें भाई सुनते तो है नहीं, हमारी सुनता है कोई, कोई नहीं सुनता भाई। अब दोबारा से होने वाली हाल खराब, ले पानी तो पी। ये है हमारी लेबर आज की, ठीक है वो आगे। हाँ नंबर बता दो, यहीं से कर देता हूँ। और 600 रुपये डाला देना पड़ रहा है भाई, 600 रुपये डाला तो आज तक जिंदगी में नहीं दिया होना कभी। चलो कोई बात नहीं, देना तो पड़ेगा ही, जब आई गए गलती से एक बारी ऑफिस जाके देना पड़ेगा अब इनको। हमारी सुनी भाई आज तक किसी ने जो आप सुनेंगे, ड्राइवरों की सुनवाई तो कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं। ये जी इनका ऑफिस अंदर, चलो देते इनको पैसा और निकलते हैं भाई फटाफट से रास्ता तरफाल करके, टाइम वेस्ट नहीं करना। 600 रुपये दे के अपनी जान छुड़ानी पड़ती है भाई, क्या करे यार क्या करे भाई। ट्रांसपोर्टर भी बोलता है इतने तो लगते ही ऐसा वैसा था, मैं बोला भाई क्या ही बोलूँ मैं का तेरे को, मैं बोले यहाँ तो इतने ही लगते हैं, मैं का पूरे इंडिया में करते भाई माल वर से परे, लेकिन कभी 600 रुपये तो मैंने दिया 8 टन का कभी नहीं। पता नहीं यहाँ पे अलग ही सिस्टम है कुछ चला हुआ, चलो क्या ही कर सकते हैं, जाला मारते फटाफट। अनु जी छटपट सही कर दो। चलिए, और नहाना धोना भी नहीं हुआ पूरे दिन, ऐसी हालत ख़राब हुई ना अंदर पसीने में बैठ बैठ के भाई, खुद रोटी नहीं खाई भी पूरे दिन नहीं, ठीक है। अनु जा के पैटीज पता नहीं कहाँ से ले आया हुआ, फिर इनको अभी लेट लग गई एकदम से घर जाने के लिए, कि ये पैसा दो घर जाना है ऐसा वैसा। मैं क्या पूरे दिन हमारे को खड़ा के रखा सुबह 9 बजे से और शाम के 8 बजने लग गए, फिर तब नहीं लग रहा था पता आप लोगों को, पता हमारी गलती क्या है ऐसा वैसा भाई, या तो इनकी सुन लो या अपनी सुना लो, इनको क्या फ़र्क पड़ता। चलो
करते अपना काम फटाफट से, रास्ता त्रिपाल करते, और भाई सफ़र भी करना, अभी इनके चक्कर में रह गए तो आगे सफ़र करना भी मुश्किल हो जाता है यार। छोड़ो, फाइनली कहीं जाके एक डेढ़ घंटे बाद अपना रास्ता त्रिपाल हो गया है। ओके, हाथ की शक्ल देख रहे भाई, खुद की शक्ल दिखाऊं, ये पसीने ही पसीने हुए हैं, और ये रास्ता त्रिपाल अपना ओके हो चुका है बिल्कुल। टिकट वगैरह लेनी है और निकलना है भाई यहाँ से, यहाँ से कम 250 किलोमीटर तो अहमदाबाद, जो अपना मंगलवाड़ है वो है 56 और आपका 170 के करीब, तो काफ़ी सफ़र है भाई मंगलवार तक। और देखो भाई हाथ वगैरह कैसे हुए काले, बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा है भाई कि हम ही है ये सच में, काम करते हैं ना, क्योंकि यार ये भी देखो इतनी गंदी हुई भी ना गाड़ी कि आधा तो इसका चिपकता कपड़ों में भी, तो हाथ वगैरह धो लेते हैं। ये अपना नलका लगा है, उसके बाद धूपबत्ती करके और बिल्टियाँ लेते हैं और निकलते हैं भाई। कुछ अपने धूपबत्ती होगी, शीशे साफ हो गए हैं, और भाई पसीने नहीं रुक रहे, ऐसे पसीने आ रहे हैं ना भाई, देख सकते हैं आप बैठे बैठे। तो अभी मेरे को जाना है हलवद, और हलवद के लिए भाई इसमें दिखा रहा 3 रोड, लेकिन मैं भाई चाहूँगा नहीं शॉर्टकट से, क्योंकि सुबह भी हम फंस गए थे एक जगह आके, और बहुत गंदा वापस हटना पड़ा हमारे को, तो मैं जाऊँगा पूरे मेन रोड से, यहाँ से 10-15 किलोमीटर फालतू पड़ रहा है, कोई बात नहीं, इतना तो एवरेज भी दे ही देगी, और यहाँ से सीधा निकल जाएंगे हम अहमदाबाद। ठीक है, हलवद, और ये है गांधरा, और एक लास्ट स्टेशन आता है यहाँ पे, जैसे एक बस वीरगम, क्या विरमगम और सीधा अहमदाबाद। बाकी यही रूट रहेगा हमारा, अभी देखते हैं कहाँ जाके इस ब्लॉग को एंड करूँगा, और अभी गुजरात में करानी पड़ेगी टंकी फुल, तो अहमदाबाद से परे परे कहीं भी करवा दूँगा फुल, मतलब राजस्थान से पहले पहले, तो देखते हैं जहाँ भी फुल करवाएंगे टंकी। अभी तो 5000 का तेल डाला हुआ हमने इसमें, अभी फास्टैग रिचार्ज करना है, 45000 रुपये आ गए अकाउंट में, और इसका किराया भाई 50000 रुपये लगा है, वैसे 6-7 टन ही माल है, 50000 है, लेकिन गाड़ी फुल होगी भाई। अब देखो मैंने ना पता कर, मतलब 4 दिन से थे हम इसमें अंदर जो ट्रांसपोर्ट थी, तो यही रेट जा रहा था भाई 55-60, और 55-60000 था भाई जलंधर अमृतसर का 55-60, और मोहाली का मेरे पास 50000 इसका किराया है, 6-7 टन माल है, अभी 6-7 टन तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, अभी जाके पता लगेगा, अभी कंडा भी कराना, तो फटाफट कंडे भी चलते हैं, वहीं देखते हैं कितना वो आया हुआ, क्या वेट आया हुआ इसका। ठीक है, कितना है 13-60, क्योंकि बिल्टियाँ नहीं है उसमें, बिल्ली बिल दिए उन्होंने, बिल्टियाँ दी नहीं, तो उनका ऑफिस है यहीं पर 10 किलोमीटर आगे, जहाँ से हमने मुड़ना है अपने हलवद के लिए राइट, उससे पहले ही उनका ऑफिस, तो फटाफट से बिल्टियाँ वगैरह लेते हैं, अभी दिखाता हूँ आपको कितना वेट आया इसमें, देखना इसमें 65 आया, इसमें 65 ही पूरा 65 आया, 6 टन 500 किलो, 560 किलो। ठीक है, ये वाली जानी ना उधर ये आ गई अपने पास बिल्टियाँ। ठीक है, 283 पीसेस है इसके, 9:40, तो अहमदाबाद हो गया यहाँ से 250 किलोमीटर कम से कम, तो उससे पहले पहले खाना खा लेंगे, अहमदाबाद क्रॉस करेंगे और सीधा पहुँचेंगे श्यामला जी। ठीक है, और मेरा सफ़र रहेगा भाई कंटिन्यू उदयपुर वगैरह क्रॉस करने का, और अपना मंगलवार तक हो सकता 50000 रुपये किराया, लेकिन 6 टन है भाई, 6 ही टन आया, 6.5 टन, तो काफ़ी बढ़िया एवरेज देगी गाड़ी, काफ़ी अच्छी। हाँ, जो खर्चा आना भाई वो तो आना ही है, लेकिन तेल में बचाना पड़ेगा, बढ़िया स्पीड में चलना पड़ेगा, और सफ़र निकालना पड़ेगा, दिन बचाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर तो मैं ये रहता ना भाई कि अभी कोई बात नहीं 60000-70000 बनाऊंगा यहाँ से, भाई रेट ही नहीं है, कैसे बनाएंगे आप, 10 दिन खड़े रहो भाई इसी रेट में जाना पड़ेगा, फिर क्या फ़ायदा, मैं नहीं जाता कोई और चल जाता, बात तो वही है ना, मतलब अगली बार भाई नहीं आऊँगा इस साइड को, और हाँ अहमदाबाद का होगा तो आ जाऊँगा, सूरत का होगा तो आ जाऊँगा, भाई बॉम्बे ही भरनी है बस। ठीक है, वहाँ से वापसी है कम से कम, सो यहाँ से मतलब टन की मार्केट है यहाँ, 16-16 टन 18-18 टन की डिमांड आती है भाई, और ज़्यादा तो मैंने बिहार और यूपी का देखा, उत्तराखंड का देखा, ज़्यादातर यहाँ से माल निकलता, पंजाब लाइन का थोड़ा कम है,
राजा की आएगी बारात। तो पानी तो भाई बड़ा जरूरी, ठंडा ठंडा पानी। पानी ना मिले ना भाई, मरने जी वाली हालत हो जाती पता। तो फाइनली भाई हम पहुंच गए मलवी, मलवी मलवी नाम की जगह। यहाँ से हमने होना है लेफ्ट और इस ब्रिज को मतलब इस रास्ते को छोड़ देना हमने और हम जाना है यहाँ से लेफ्ट, क्योंकि ये रोड निकलता सीधा अहमदाबाद। तो यहाँ से मुड़ना है हमने 280 मीटर से राइट और सीधा बिल्कुल यहाँ से 200 किलोमीटर है, मतलब 193 200 रखो आप, 200 किलोमीटर पड़ जाएगा हमारे को अहमदाबाद। लो जी चौथा टूल आ चुका है और चौथे टूल का प्राइस है आपको 230 रुपये। अहमदाबाद से पहले आ गया है चौथा टूल और इसका प्राइस रहेगा 230 रुपये। काफ़ी खर्चा है भाई इस रोड से। घर कब आओगे? पता नहीं है ना भाई जी कब आएंगे, सोना बाबू है। क्या बात है यार। फाइनली भाई अब छोड़ रहे हैं हम अहमदाबाद, ये मुड़ रहे हैं यहाँ से हिम्मत नगर उदयपुर प्रांतिज। 2 बजे का टाइम था, आधा घंटा थोड़े से लेट हो गया है। 3 बज चुके हैं रात के और अब हम रुके हैं एक होटल पे, अपना जो प्रांतीज है उससे पहले रुके हैं। 3 बज चुके भाई, रोटी भी नहीं खाई थी और अन्नू भी सोया हुआ था, मैं कहा अब क्या उठाना, फिर अन्नू भी उठ गया अभी थोड़ी देर पहले और मैं कहा खा ही लेते खाना भाई, तो मिल रहा है अगर खाना मिलेगा, खाना नहीं तो चाय पी के भाई थोड़ा सा खा लेंगे कुछ और फिर निकलेंगे, क्योंकि सुबह 7-8 बजे से पहले पहले करना पड़ेगा जयपुर, मतलब क्या बोल रहा हूँ, 7-8 बजे से पहले उदयपुर क्रॉस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई जाम लग जाता है बाईपास में, आपको पता ही है कितना भसड़ रहती है। ठीक है, बाकी इस ब्लॉग को करेंगे भाई डीजल डालने पे बंद। ठीक है, जैसे ही डीजल डालेंगे ना वैसे ही बंद कर देंगे इस ब्लॉग को। तो अभी चलते फटाफट से खाना खाते, देखते अगर खाना मिलेगा तो ठीक, नहीं तो चाय पियेंगे। ठीक है, चलो जी अपना हो गया डिनर, रात के 3 बजे आ गया। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद है। दो ही बस, और अपनी गाड़ियाँ खड़ी है उधर, उस्ताद जी भी मिल गए हमारे को, हम इकट्ठी थे कि ममता रोडवेज में ही, तो ये जा रहे हैं यूपी और उनकी गाड़ी भी खड़ी है साथ में, और इन्होंने तो खा लिया था खाना, अब हम खा लेते हैं। क्यों अनु जी, रात के 3 बजे मिल रहा है खाना खाने को? ना तो है भाई, डीजल फिल करवाते हैं और इस ब्लॉग को करते हैं भाई यहीं पे एंड। तो अपनी गाड़ी में आ गया 13,600 का भाई और टंकी हो चुकी है अपनी फुल और सुबह के बज रहे भाई 4:17। ठीक है, तो इस ब्लॉग को करता हूँ भाई यहीं पे एंड, और अभी हमारा जो सफ़र रहेगा कंटिन्यू कहाँ के लिए, अपने मंगलवाड़ के लिए, और यहाँ से सिर्फ 50 किलोमीटर है भाई अपना श्यामला जी, और उसके बाद है 120 किलोमीटर उदयपुर और 50 किलोमीटर उससे आगे मंगलवाड़। ठीक है, तो नींद तो आ रही है पर कोई बात नहीं, अब करना तो पड़ेगा ही सफ़र भाई, काफ़ी पहले भी लेट हो गए थोड़े से, खाना भी खाया देखो अभी खाया हमने 1:30 खाना, तो यहाँ से नॉन स्टॉप ही रखते गाड़ी और वहीं जाके अगला ब्लॉग भी करेंगे स्टार्ट, जब से भी करूँगा अगला ब्लॉग स्टार्ट। तो थैंक यू सो मच इस ब्लॉग को देखने के लिए, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया भाई, और मैंने आपको किराया बताया 50,000 है इसका और 6 ही टन आया भाई ये, और बाकी तो आपको पता ही, बाकी सब कुछ तो ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई अगर पसंद आता है काम, और आप ये शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ आप। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपने आसपास सफाई रखें, अपने माँ बाप की सेवा करते रहो, हसल करते रहे भाई ज़िंदगी में। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट आप लोगों को, बाकी हमने तो भाई सफ़र करना है। ये हमारे सतीश भाई, ठीक है, और इनको जानता हूँ मैं बहुत पहले से, क्योंकि जब मेरे शायद 1K भी नहीं हुए थे ना, तब से लेकर हम मिलते रहते हैं, और उस टाइम भी काफ़ी पहले मिले थे और उस टाइम भी मैं वीडियो नहीं बना सका था। तो इन भाई की पहले हम मिले थे इक्को में, इक्को होती थी इनके पास दो, अब एक इक्को बेच के इन्होंने ले लिया अर्टिगा जो कि ये खड़ी हुई, और अभी खड़े हुए हम इधर हिम्मत नगर का जो चौक है ना वहाँ पे खड़े हुए हैं, और भाई आए मिलने यार सुबह के 5 बजे। ठीक है, और काफ़ी बार मेरे को फ़ोन भी करते रहते हैं, मतलब जब अभी फादर भी बीमार हुए थे तो काफ़ी भाई के साथ है हमारा, ठीक है, मतलब रिलेशन, और काफ़ी फ़ोन करते रहते हैं ये भी, तो आज मुलाकात हो ही गई भाई से। तो आपका इंस्टाग्राम वगैरह है कुछ?
भाई को कॉन्ग्रेचुलेशन कर देना भाई, अभी भाई ने नई गाड़ी ली हुई है, देखो पूरी एकदम मस्त गाड़ी ली हुई है। और टूर पे ये भी निकले हुए, तो टूर पे निकले थे तो मिल गए मेरे को भाई, काफ़ी अच्छी गाड़ी ली हुई है, खतरनाक। ठीक है, तो इनको तो करूँगा भाई अलविदा, क्योंकि हमने निकलना है कहाँ के लिए, अपने मंगलवाड़ के लिए भाई, और वहाँ तक सफ़र करना है, तो उदयपुर में जाम लगेगा, तो भाई से तो लेते ही इजाज़त। ठीक है, आपसे मिलेंगे फिर अगली बार। भाई को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू यार, थैंक यू। ठीक है, ठीक है भाई, चलो ठीक है, फिर निकलते यार। ठीक है।